करते हैं तो दरअसल आप तर्क शक्ति के पक्ष में खड़े होते हैं, आप आलोचनात्मकता के पक्ष में खड़े होते हैं और जो समाज का स्थापित सत्य है उसकी जांच करते हैं कि यह सत्य है कि नहीं। और यदि आप ऐसा करना पर हमला किया है, जिस तरीके से आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक अधिकार छीना है, जिस तरीके से आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की महिला अध्यक्ष के ऊपर हमला किया है, यह हमला दरअसल लोकतंत्र के ऊपर हमला है और इस हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है। एक बार नेहरू जी एक गांव में गए थे तो लोग वहां भारत माता की जय कह रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि भारत माता की जय का क्या मतलब समझते हो तो लोगों ने कहा मिट्टी की जय, किसी ने कहा देश की जय, किसी ने कहा झंडे की जय। नेहरू जी ने जवाब दिया नहीं, तुम्हारी जय भारत माता की जय है। देश के अंदर जो 125 करोड़ लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो या किसी धर्म को नहीं मानने वाले लोग हो, वो सब भारत माता है, वो सब भारत माता की संतान है। वो सारे लोग चाहे वो किसी जाति के हो, किसी लिंग के हो, किसी भाषा के हो, किसी क्षेत्र के हो, किसी पहचान के हो, उन तमाम लोगों की जय भारत माता की जय है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जेएनयू में लोग देशद्रोही, नहीं मोदी जी देशद्रोही नहीं है, हम आरएसएस के खिलाफ द्रोह कर रहे हैं। देश को नहीं मानते, जिस देश में सर संचालक कहते हैं कि महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, हम कहते हैं कि महिलाओं को घर से निकलना चाहिए, अपने पक्ष में बोलना चाहिए। ये कहते हैं कि जेएनयू में सेना के खिलाफ बोला गया, ऐसा हो नहीं सकता। सेना पर आप राजनीति कर सकते हैं, मेरे लिए वो गर्व का विषय है, हम उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते हैं। और आपने क्या किया, आपने कहा किस तरीके से इस देश के अंदर पहले छात्रों और सेना को बांटने की कोशिश की गई, फिर व्यापारी और सेना को बांटने की कोशिश की गई। माननीय मोदी जी ने कहा कि सेना से ज्यादा रिस्क व्यापारी लेते हैं। हम कहते हैं मोदी जी, इस देश को बचाने के लिए फुटपाथ पर काम करने वाला आदमी, खेतों में काम करने वाला आदमी, बाजारों में काम करने वाला आदमी या सीमा पर जान देने वाला सेना सबसे ज्यादा रिस्क ले सकता है। आप बांट नहीं सकते हमको, क्योंकि हम तय नहीं कर पाते समाज में किसका योगदान कितना है। हम जानते हैं कि शीशे वाले ऑफिस में बाबू जितना जरूरी है उतना ही जरूरी स्वीपर है, नहीं तो उस कार्यालय में लोगों का बैठना मुश्किल हो जाएगा, लोगों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग कार चलाते होंगे, कभी तय कर पाया है कि ब्रेक ज्यादा जरूरी है कि हॉर्न ज्यादा जरूरी है? आप तय नहीं कर सकते, ये कौन तय करते हैं? ये वही तय करते हैं जिनको हाफ पेंट से फुल पेंट होने में सालों लगे। आपको तय करने में वक्त लगता है, आपको तय करने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था तो हर रोज प्रार्थना में हमको प्रस्तावना पढ़ाया जाता था, जिसमें कहा जाता था हम भारत के लोग और वो सारे लोग हैं, चाहे वो किसान हो, सैनिक हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, वो सब लोग हम भारत के लोग हैं। सरकारी स्कूल को बंद कर देना चाहिए। उद्घाटन में थे माननीय मोदी जी, कहते हैं चाय वाला का बेटा हूं,
मैंने देखा है चाय वाले को और उसके बेटे को भी जानता हूँ। मेरे साथ ही मेरी बगल वाली दरी पे बैठकर सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मोदी जी, अगर आप चाय वाला का बेटा हैं, तो सरकारी स्कूल बंद मत कीजिए, प्राइवेट स्कूल में भी हम गरीबों को पढ़ने की जगह दीजिए। ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा। कहते हैं सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनके पास ज्ञान नहीं होता। मंगलयान पे 56 इंच का छाती चौड़ा कर रहे थे जनाब, और वो जो भेजा है मंगलयान को वो सब सरकारी स्कूल में पढ़ा है। IIT भी सरकारी है, IIM भी सरकारी है, जो इस देश का टॉप संस्थान माना जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, और तो और छोड़ दीजिए, इस देश का संसद और राष्ट्रपति भवन भी सरकारी है। कहना गलत गलत, सुनना सही सही। साहब, अगर सुनना सही सही तो कहना भी सही सही होगा, और आपको सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? आप कितना भी फर्जी भी डिबेट कर लीजिए, आपने आजकल अपने हाथ में तिरंगा झंडा उठाया है, बहुत खुशी की बात है। 47 में जलाया था जनसंघ ने, भाजपा ने उठाया है 2016। कई साल लग गए संघ को अपने कार्यालय पे यह तिरंगा फहराने में, हम तो 47 से झंडा फहरा रहे हैं, और झंडे की कीमत हमको पता है। यह झंडा बनता किससे? यह झंडा बनता है कपास से, और कपास को उगाता कौन है? किसान। और आत्महत्या कौन कर रहा है? कपास को उगाने वाले किसान। अगर इस झंडे की शान में बोलना चाहते हैं, तो आपको सैनिकों के लिए 1 rank 1 pension लागू कर देना चाहिए था। सैनिकों पे आपने डंडा बरसाया, अभी तक आपको सेवंथ पे कमीशन को लागू कर देना चाहिए था, इस पर आप डाल मटोल कर रहे हैं। और यह झंडा, इसके बारे में कहा जाता है हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा। इस 3 रंगों की जो सच्चाई है उसको लेकर, यह जो हमारा हरा रंग है वह किसानों का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, और ये किसानों के हक की बात करता है। जो हमारा सफेद रंग है वो इस देश में सच्चाई की बात करता है, और मोदी जी भी आजकल सत्य में जयते बोल रहे हैं। सत्य की जय होगी, क्योंकि ये सफेद रंग हमारे पास है। और यह जो केसरिया है, जिसको आप एप्रोप्रिएट करना चाहते हो, उसके बारे में आपको कह दूं, मैं संसद में बैठकर गोल गोल भाषण देने से और घरियाली आंसू बहाने से पीड़ता नहीं आती है। हम तो विद्यार्थी हैं, मेरे बारे में कहा जा रहा है कि सब्सिडी का पैसा खा रहा है। अरे साहब, सब्सिडी का पैसा खा करके आपने जिसको संसद बनाया था वो तो लंदन चला गया। हम सब्सिडी का पैसा खा रहे हैं, हम सब्सिडी का पैसा नहीं खा रहे। हमारा काम पढ़ना है और पढ़ा रहे हैं। पीड़ता अगर इतना ही जरूरी है आपके लिए, और आपके समय में लगता है कि भगत सिंह वाली पीड़ता होनी चाहिए, तो 23 बरस में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे, आप MP क्यों बने हुए हैं? सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। इस साथी ने कहा कि 29 बरस उम्र हो गई है, अभी तक पढ़ रहा है। हम पढ़ रहे हैं समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज के अंदर जातिवाद को खत्म करने के लिए। लेकिन आपका जातिवाद और मनवाद के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि पीड़ता संसद में बैठकर नहीं आती है। आप मुझे जो हनुमान थप्पा, शहीद हनुमान थप्पा के पास भेजना चाहते हैं, तो हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि कौन जिम्मेवार है सैनिकों के उन विधवाओं के लिए, कौन जिम्मेवार है उन अनाथ बच्चों के लिए जिसकी वजह से यह लड़ाई होती है? हम लड़ रहे हैं, हमारे जैसे लोग लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं खेतों में, जान दे रहे हैं कारखानों में, और जान दे रहे हैं सीमाओं पर। ये हम हैं, हमको तुम बांट नहीं सकते हो। हमारी जो
वो भी समझ चुके हैं। वो कह रहे थे कि भाई साहब क्या बताऊं, 50,000 रुपए तनख्वाह तो मिलता है लेकिन कभी कभी जो मेरे गले में वो टाई लगी हुई है वो कुत्ते का पट्टा लगता है। हमने कहा साहब इसी बात की लड़ाई है कि काम करें हम कॉरपोरेट हाउस में या खेतों में या कारखानों में या सड़कों पे, हम सब एक हैं, हमारे ड्रेस के आधार पे लोग हमको नहीं बांट सकता है। और हम सवाल पूछेंगे, क्या पूछेंगे, मोदी जी 10 करोड़ जॉब आपने कहा था कि पैदा करेंगे, सरकारी आंकड़ा आया है कि पिछले 10 साल में एक भी रोजगार पैदा नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ा आया है कि अगर जिस आईएस को ये बहुत गाली देते हैं वो अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया होता, अगर युद्ध की स्थिति नहीं होती खाड़ी देशों में, तो तेल सस्ता नहीं होता। और जब सस्ता होने की बात करता हूं तो एक बात और समझ लीजिएगा, एक साधारण तरीके का बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, और बीजेपी के लोगों ने कहा असाधारण बजट प्रस्तुत हुआ है। हालांकि बीजेपी इस देश में आजकल जो भी कर रही है वो ऐतिहासिक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे लोग हमारा भविष्य तय कर रहे हैं जो खुद ही विश्वविद्यालय नहीं है। सबका ख्याल रखा गया है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इस बजट के बारे में एक बात बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आता। जो ही बजट पेश होना था सेंसेक्स गिर गया, जो ही बजट पेश हुआ सेंसेक्स चढ़ गया, लेकिन जब झोला लेकर के मेरी माँ गई बाजार में तो दाल की कीमत पे कोई फर्क नहीं आया था, आटे की कीमत पे कोई फर्क नहीं आया था। आज भी चीजें बाजार में महंगी बिक रही है, वैसे ही उछाल मार रहा है महंगाई जैसे सेंसेक उछल रहा है। आखिर माजरा क्या है, मसला क्या है? सेंसेक तो बढ़ रहा है, बजट भी ऐतिहासिक पेश हुआ है, लेकिन हमारा जेब कटना बंद नहीं हुआ है। तो इसका एक जवाब मालूम चला है, जवाब क्या है कि सेंसेक्स बढ़ता है क्योंकि आजकल लोग पैसा लेकर रोजगार करने नहीं जाते, पैसा लेकर फैक्ट्री खोलने नहीं जाते, पैसा लेकर खेती करने नहीं जाते, कंप्यूटर पे बैठते हैं, करोड़पति से अरबपति बन जाते हैं। हमने कहा बड़ा अच्छा धंधा है, सरप्लस जो पैदा हो रहा, मुनाफा जो पैदा हो रहा वो जाता कहाँ है? वो कहीं रोजगार में नहीं लगता, कहीं उत्पादन में नहीं लगता, किसानों को कर्ज नहीं मिलता, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता, वो सेंसेक्स बाजार में जाता, गोता लगाता, यही चल रहा है। हम कहते हैं नहीं चाहिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सेंसेक्स उछल जाए और हमारा दिल महंगाई से बैठ जाए, ऐसी सेंसेक्स नहीं चाहिए। हम कहते हैं जो वित्तीय पूंजी का खेल है जिसमें रातों रात लोग अरबपति हो रहे हैं और गरीब रातों रात और ज्यादा गरीब हो जा रहा है, बिना डेटा का ये बात नहीं बोल रहा, मैं किसान का बेटा है, मैं बता देना चाहता हूँ, जो जमीन का टुकड़ा मेरे पिताजी के लिए था वो जमीन का टुकड़ा मेरे भाइयों के साथ 3 हिस्सों में बट गया, जमीन खट रहा, खेती नहीं हो रही, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। इस बात पे एक सवाल आप लोगों के लिए है, मोदी जी अगर सुन रहे होंगे तो सुन लीजिएगा कि आपने कहा है कि भाषण देने से कोई नेता नहीं बनता, ये बराबर आप पे लागू होता है। किसानों और मजदूरों की बात की, 2 साल सरकार को हो गए, ना अच्छा दिन दिखा ना अच्छी रात बीती, दिन
कमाने में निकल जाता, रात भूख मिटाने में निकल जाता, न दिन अच्छा न रात अच्छी, किसका साथ किसका विकास, जाने मोदी जी कौन दिया साथ, किसका हो रहा विकास। आज भी यही सवाल है कि हमारी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। ऑक्यूपाई यूजीसी पे हमने आंदोलन चलाया कि हम रिसर्च स्कॉलर को पैसा दे दीजिए। स्मृति जी आई भी हमसे मिलने के लिए रोड पे, थे मीडिया के साथ ही उस दिन कवर किए होंगे, वादा भी किया पार्लियामेंट में हमसे नहीं कि आ जाएगा रिपोर्ट दिसंबर में, फरवरी मार्च पता नहीं कितना निकलेगा, रिपोर्ट नहीं आया, फेलोशिप नहीं मिला और ना बढ़ा। ये सवाल है कि देश के अंदर महंगाई कम नहीं हुई, खाता तो खुलवाया गया जन धन योजना में लेकिन 15 लाख रुपया नहीं आया, तो हो क्या रहा है देश? ऐसा मत कहिए कि बीजेपी कुछ कर नहीं रही, अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप बहुत गलत करेंगे। बीजेपी कर रही है, क्या कर रही है, मंदिर वही बनाएंगे डेट नहीं बताएंगे। कौन कहता है कि बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है। बीजेपी ने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और आते ही क्या हुआ, अब और 100 महिलाओं पे अत्याचार, आ गई है मोदी सरकार। क्योंकि एक बलात्कार के आरोपी को मंत्री बना दिया गया और वो सारे लोग जो विधानसभा में पॉर्न देखते हुए पकड़े गए थे उनका प्रमोशन कर दिया गया है। ये कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा भाई साहब, रक्षा तुम करोगे कैसे जब तुमको भारतीय संस्कृति के बारे में मालूम ही नहीं है। क्या देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, क्या देश जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, क्या देश जितना बौद्धों का है उतना ही जैनियों का है, क्या देश जितना पारसियों का है उतना ही नास्तिकों का है? आप क्या कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो मोदी जो कहते हैं वही कहना होगा। मेरे भाई साहब, देशभक्त होना बहुत अच्छी बात है और वो हर एक इंसान जो इस देश के अंदर अपनी भूमिका निभा रहा है, विद्यार्थी अगर अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहा हो, किसान अगर अनाज उपजा रहा हो, मजदूर अगर उत्पादन कर रहा हो और सैनिक अगर सीमा पे खड़ा होकर देश की रक्षा कर रहा हो, यही देशभक्ति है। और देशभक्ति के नाम पर जो तुम लोगों को रसगुल्ला दिखाकर गुलगुल्ला खिलाना चाहते हो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग रसगुल्ले और गुलगुल्ले का फर्क जानते हैं। अरे हम सब लोग स्कूल में पढ़े हैं, भारत का इतिहास पढ़े हैं, उस पूरे इतिहास में कहीं भी आरएसएस नहीं मिलता जो देश की आजादी के लिए लड़ा हो। कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद लगाना गलत है, बिल्कुल गलत है, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान जिंदाबाद लगाएंगे, पूरी दुनिया का जिंदाबाद लगाएंगे, सिर्फ पाकिस्तान का जिंदाबाद क्यों लगाएंगे, पूरी दुनिया जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद लगाएंगे। जब जिंदाबाद लगाने का मसला आता है तो ये झंडा फहराने का भी मसला आता है, पाकिस्तान के बनने का भी मसला आता है। और आपको मालूम है कि देश में सबसे पहले दो देश होना चाहिए, हिंदुओं का अलग और मुसलमानों का अलग, ये कौन कहा था? हिंदू महासभा ने कहा था, जिसके बहुत सारे महाराज आजकल संसद में बैठे हुए हैं। जनसंघ ने बकायदा झंडा जलाया था 1943 में और आज झंडा हाथ में लेकर कर हमसे हमारा इतिहास भुला देना चाहते हैं। माना कि भुलक्कर हैं लेकिन इतना थोड़ी है कि ब्रिटिशर्स को भगाया था तो उसको भी याद नहीं रखेंगे। और अगर तुमने याद दिला दिया है, देशभक्ति की राग अलाप दी है,
तो हम बता देंगे कि इस देश का इतिहास क्या रहा है और ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह हो। ये तुम्हारे लिए बात करता हूं
फिर भी अगर किसी को मिर्ची लगे तो ये भ्रम मत पालना कि ये देशभक्त है। मान लेना कि 3 साल सरकार बची है, कहीं ना कहीं सेट होने की जुगाड़ लगा रहा है और हमको थप्पड़ मारकर किसी का कैरियर बन जाए तो मोदी जी तो रोजगार दे ना पाए, किसी का जीवन सेटल हो जाएगा। भाई साहब, इन छोटी छोटी बातों को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, ये रास्ता लंबा है, क्योंकि हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, तमाम तरीके की साजिशें की जा रही है। कहा जा रहा है कि जेएनयू बहुत खतरनाक जगह है। हम कहते हैं कि जेएनयू खतरनाक जगह है। जेएनयू इसलिए खतरनाक जगह है क्योंकि जेएनयू में लोग सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। देश के विश्वविद्यालय जहां पर आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं और वो ज्ञान होता है लोकतंत्र को लेकर, वो ज्ञान होता है संविधान को लेकर, वो ज्ञान होता है इस देश के अंदर मनुवाद और जातिवाद को खत्म करके बराबरी की स्थापना को लेकर, इसीलिए विश्वविद्यालयों के ऊपर हमला हो रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान नहीं भटकाना है। हमारी जो लड़ाई है इस समाज को बेहतर बनाने का, उस लड़ाई में हमको बढ़ते रहना है, चलते रहना है और समाज को एक बेहतर समाज बनाना है। ये सवाल आज हमारे सामने है। और देखिए, पूरे विमर्श में बुलेट ट्रेन पता नहीं कहाँ चला गया, पूरे विमर्श में पता नहीं काला धन कहाँ चला गया, पूरे विमर्श में यह सवाल आया ही नहीं कि इस देश की जनता ने तो चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी परिधान मंत्री बनकर करोड़ों का रुपया उड़ाते हैं। इसीलिए हम पे हमला होता है, क्योंकि हम इनसे डरते नहीं। हम इनको कहते हैं कि जो गुजरात में किया वो उत्तर प्रदेश में नहीं करने देंगे। अच्छा, में जीतेंगे आपको ध्यान। आपने मुजफ्फरनगर तो करा लिया, लेकिन हम मुजफ्फरनगर के किसानों से कहना चाहते हैं कि आपको मिला आपके गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं। तो दंगा करना इनका धंधा है, इस धंधे को कभी भी धर्म की रक्षा से छोड़कर मत देखिएगा। देशभक्ति को मोदी भक्ति में बदलना एक कन्वर्टर इनके पास है, इस सॉफ्टवेयर में कभी मत फंसिएगा। इनका एक और काम होता है कि जो कहा वो तो नहीं करेंगे और जो कह रहे हैं वो कभी नहीं करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार बनाया किस नाम पे, विकास पुरुष बन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव किस बात के लिए मांग रहे हैं, देश खतरे में आ गया। भाई साहब, 2 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 2 से 80, 80 से 180 और 180 से 283 नंबर बना लिया तो भी देश नहीं बचा पाए। देश इसलिए आप नहीं बचा पाए क्योंकि आपको देश नहीं बचाना, आपको अपनी कुर्सी बचानी है। हमको देश बचाना है। हम तमाम लोग जो आज लोकतंत्र के पक्ष में बोल रहे हैं, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के पक्ष में बोल रहे हैं, रोजगार के लिए बोल रहे हैं, शिक्षा के लिए बोल रहे हैं, गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा कानून लागू करवाने के लिए लड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, वो लोग देश बचाएंगे, उनके कंधे पे देश को बचाने की जिम्मेवारी है। और आपका जो यह तरीका है भूल भुलैया करने का नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार आपको गलत लोगों से आसरा पड़ा है, आपने गलत लोगों को चुन लिया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
सकता। चलो 8000 का कैंपस है, एक दिन अगर आप चाहे जर्नल तो बुलडोजर लेकर टैंक लेकर हमें उड़ा देंगे। एक दिन अगर आप चाहें इस देश के अंदर जो लड़ा रहे हैं दो तरह के पेशे के लोगों को आपस में, तो शायद आप इतना नफरत फैला दिए हैं समाज में कि लोगों को लगता है कि शायद जेएनयू में कुछ गलत हुआ। लेकिन मसला सिर्फ जेएनयू का नहीं है, यह मसला पहले से शुरू हुआ और आगे भी चलेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई इंसान एक शायरी लिखता है इसलिए उसको देशभक्ति का उसका प्रमाण पत्र छीन लिया जाता है, और कोई इंसान खुलेआम मंच पे खड़ा होकर कहता है कि सर कलम करके ले आओ, वो विधायक बना रहता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जब उनको पीटने के लिए कोई नहीं मिलता तो घोड़े पे फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं। हम कहते हैं कि तुम अपना फ्रस्ट्रेशन उतारो, तुमने फ्रस्ट्रेशन अपना उतारा जब तमिलनाडु के अंदर एक दलित लड़के की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह एक तथाकथित ऊंची जाति की लड़की से शादी किया। उतारो अपना मनुवादी फ्रस्ट्रेशन, लेकिन हम नौजवान हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम सच के साथ खड़े होंगे, हम प्रगति के साथ खड़े होंगे, हम इस देश के अंदर देश को सुंदर बनाने का जो विचार है उसके साथ खड़े होंगे। और आप हमको इतना भी लड़ा लीजिए इसे निकाल मैंने एक शब्द नहीं बोला रोहित वेमुला पे पहले, और अचानक से जब कुछ लोग रोहित वेमुला के नाय के लिए नारा लगाने लगे तो रोने लगे। अगर उनका रोना इतना सच्चा है तो वो आते अपने मंत्रिमंडल में और अपने मंत्री को बुलाकर कहते, लोग कहते थे पहले कि बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री, इसीलिए आशा है हमको उनको बुलाते और कहते कि रोहित वेमुला के साथ ऐसा क्यों हुआ है, इस्तीफा दो तुम लोग, हम रोहित को न्याय देंगे, रोहित एक्ट को पास करेंगे। अब हम समझते मोदी जी सच में मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी नहीं बोले, रो करके अपनी जिम्मेवारी निभा ली कि बस हो गया, कुछ नहीं बोलेंगे। एक मिनिमम मानवता की बात करता हूँ। स्मृति जी ने कहा कि बच्चे हैं मेरे यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, ठीक है माता जी, मेरी जो असली माँ है, असली माँ जिसने मुझे पैदा किया, रोहित की जो असली माँ है जिसने उसको पैदा किया, उसको फोन करके पूछा कि चलो आपका बेटा कुछ किया होगा लेकिन हम आपके साथ हैं, कि मेरे साथ मेरी माँ भी देशद्रोही हो गई, कि मेरे साथ रोहित वेमुला की माँ भी इंटरनेशनल हो गई। मैं बताना चाहता हूँ कि इनका रोना नकली, इनका हंसना नकली, इनका बोलना नकली। बात आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आपके झंडे का रंग कुछ भी हो या आपके हाथ में झंडा ना हो, आप दुनिया को चाहे मार्क्सवादी नजरिए से देखते हो, अम्बेडकराइट नजरिए से देखते हो, गांधीवादी नजरिए से देखते हो, लेकिन ये सारा नजरिया आज खतरे में पड़ गया है, क्योंकि एकमात्र नजरिया नागपुर से आ रहा है, वो कह रहा है एकल राष्ट्र बनाएंगे। अगर इस बात को समझते हैं, इसकी इंटेंसिटी को समझते हैं, तो एकमात्र अपील करना चाहता हूँ, मिटाइए तमाम तरीके के लकीरों को, छोड़िए रंग के झगड़ों को और सारे रंगों पे कब्जा कीजिए, इसका एक ही रंग है और वो रंग है देश के अंदर धूर्तता का रंग है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा देश के अंदर आज अगर नौजवान आवाज उठा रहे हैं तो वो शौक से नहीं उठा रहे। एक मंत्री जी ने कहा कि विद्यार्थी हो तो पढ़ो, सच बात है, हम विद्यार्थी हैं और हम पढ़ना चाहते हैं, आप मंत्री हो तो पढ़ने दो, फेलोशिप दे दो, नौकरी दे दो, हम में से कोई भी जंतर मंतर पर शौक से नहीं आया है,
हम में से कोई भी शौक से जेल नहीं गया है, क्या हम में से कोई भी आत्महत्या नहीं करना चाहता? आप वो हैं जो हमें ये करने के लिए विवश करते हैं। कुछ का नाम आता है, कुछ का नाम नहीं आता। आप देखिए कि क्या हो रहा है, तमाम इंस्टीट्यूशन के बारे में देखिए। रोहित बेमुला का केस कोई अकेला केस नहीं है। हमें धन्यवाद देना पड़ेगा जेएनयू के अंदर शिक्षकों और कर्मचारियों को। वो अगर हमारे पक्ष में नहीं खड़े होते, आप लोग हमारे पक्ष में नहीं खड़े होते, हमने से कितने लोग आज पंखे में लटक कर अपनी जान दे दिए होते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई मरता है तो शौक से नहीं मरता। अगर कोई गरीब है तो उसका भाग्य नहीं है। अगर कोई आज बेरोजगार है तो ये उसकी नियति नहीं है। इस बात को आप मानिए कि कोई किसी को मरने पे मजबूर कर रहा है, कोई किसी को बेरोजगार बना रहा है और कोई किसी को गरीब बना करके रखना चाहता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और अगर हम इनका जो नैरेटिव है, इनका जो कथन है, उसको समझेंगे नहीं, उस पर अगर हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी इस देश के अंदर सबके हक की बात करना। मुश्किल हो जाएगी सीमा पे लड़ रहे जो सैनिक हैं उनके लिए सेवंथ पे कमीशन के लिए लड़ना, उनका पीएफ का पैसा देने के लिए जो या ब्याज काटने का साजिश रचा है उसके खिलाफ लड़ना, जो सैनिकों के विडो है, जो उनके बच्चे हैं उनके हक और अधिकार के लिए लड़ना, जो किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो पैदा करते हैं सूद को जिससे यह झंडा बनता है उनके हक और अधिकार के लिए लड़ना। मुश्किल हो जाएगा मजदूरों के न्यूनतम वेतन के लिए लड़ना। मुश्किल हो जाएगा महिलाओं के लिए बराबरी के हक के लिए लड़ना, दलितों के पक्ष में मनुवाद के खिलाफ लड़ना, जातिवाद के खिलाफ लड़ना। और इस साजिश को समझिए। हरियाणा में मैंने सुना था कि लोगों में झगड़ा होता है तो लठ चलाते हैं। इस बार खबर आई है कि पेट्रोल पंप चला है। अरे बनाया कौन, लाया कौन, हरियाणा की संस्कृति को मिटाया कौन? इस सवाल का जवाब इनको देना पड़ेगा कि जाट और नॉन जाट को लड़ाया कौन? इस सवाल का जवाब इनको देना पड़ेगा। और इनको ये पूछा जाएगा कि किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, छोड़ दीजिए, हम बोलेंगे तो कह देगा कि राजनीतिक आदमी है। कुछ लोग तो हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी ज्वाइन करा दिए हैं, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने वाला नहीं। मैं आंदोलन का आदमी हूँ, आंदोलन में रहूंगा। उन्होंने कहा कि हम इस देश के अंदर सबके हक की बात करेंगे। हम बोलेंगे तो कहेगा बोलता है, तो हम नहीं बोलेंगे। इनका अपना जो भारतीय मजदूर संघ है वो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ सड़कों पे उतर रहा है। इनका अपना जो किसान संघ है वो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सड़कों पे उतर रहा था। आप न्यूज को जाकर के चेक कर लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह किसी के नहीं है, ना हमारे ना तुम्हारे, ना खेत के ना सीमा के, ना फैक्ट्री के ना विश्वविद्यालय के, ये एक ही जगह के हैं जहाँ यह बार बार उड़कर जाते हैं, बार बार आते हैं। और आजकल इन्होंने नया दुश्मन बनाया है। पहले ये पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगते थे, अब पाकिस्तान जाकर जब से ये चाय पीकर आ गए हैं तो ये हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इसलिए इनको एक नया मुद्दा मिल गया है कि आजकल जेएनयू वालों को कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। भाई साहब, कुछ दिन अगर तुम इस देश में रह गए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान बना दोगे, जो तुम्हारी स्थिति है। लेकिन एक बात जान लो, इस देश का इतिहास किसी एक पार्टी का इतिहास नहीं है, इस देश का इतिहास किसी एक विचारधारा का इतिहास नहीं है, इस देश का इतिहास साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने का इतिहास है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का इतिहास है, इस देश का इतिहास जातिवाद के खिलाफ लड़ने का इतिहास है, इस देश का इतिहास लोकतंत्र को स्थापित करने का इतिहास है। इसलिए तुम लोकतांत्रिक
तुम संविधान का अधिकार हमसे नहीं छीन सकते हो, तुम कर क्या सकते हो? तुम्हारे पास 3,000 रुपए में बहाल साइबर सेल है, अगर मेरी आवाज उस तक पहुंच रही होगी तो मैं उससे भी कहना चाहता हूं जो 3,000 में साइबर सेल की नौकरी कर रहे हैं, मत कीजिए 3,000 में नौकरी। कहिए मोदी जी को कि बहुत पैसा है आपके पास, मुझे 3,000 का वेतन दीजिए, तब मैं जेएनयू वालों को गाली दूंगा, मैं 3,000 में गाली नहीं देने वाला हूँ। ये बात कहिए आप, कहिए इतना संगठित तरीके से कोई जेएनयू को लाइक करता है उसको भी गाली देते हैं, उसके माँ बहन को भी देते हैं, उसके घर वालों को देते हैं, उसके दोस्तों को देते हैं, इतना गाली हम 3,000 रुपए में नहीं देंगे। और मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि जेएनयू में सबसे पहले तुम्हारे हक में जत्था निकलेगा। तुमने हमको गाली दिया, हमने माना, लेकिन हमको पता है कि देश में कॉरपोरेट लूट कैसे हो रहा है। मैं जब दिल्ली आया था तो मैंने 1 महीने एमआर की नौकरी की थी और मुझे मालूम है कि बाइक, लैपटॉप और मोबाइल ये सुविधा नहीं होती है, ये परेशानी का सबब होता है भाई साहब। इसलिए जब मैं गिरफ्तार हुआ तो एक पुलिस वाले से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि मालूम है आपको कि सैटरडे की रात को सबसे ज्यादा ड्रंक एंड ड्राइव का केस होता है। हमने कहा क्यों? कहा कॉरपोरेट में लोगों को सैटरडे का बहुत बेसब्री से इंतजार है। हमने कहा इतना शोषण, 50,000 रुपए मिलने के बावजूद, बढ़िया व्हाइट शर्ट पहनने के बावजूद, बाइक लैपटॉप कार होने के बावजूद, जीवन में इतना चैन नहीं कि रेड लाइट पे पैग ना लगा करके हम अपने कमरे में बैठकर पैग लगा पाए। ये दर्द है उनका, कौन बोलेगा उनके दर्द के बारे में, कौन बोलेगा उनके जीवन के हक के बारे में? है इस देश के अंदर किसान और मजदूर की बात करोगे तो कहेगा कि फैशन हो गया है। एक नेता ने कहा बीजेपी का कि किसान आत्महत्या आजकल फैशन से कर रहे हैं पैकेज लेने के लिए। तो हमने कहा कि आप किसानी किए हैं, अगर आप किसानी किए हैं तो एक आप एक पास आप भी इस फैशन को अपना लीजिए। आपको दिमाग में है और तरीका क्या है? बांटो। और बांटो का तरीका इन्होंने सीखा किससे है? जब यह पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, ये स्कोर सेटलमेंट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ बैठकर। इसीलिए अंग्रेजों ने जाते हुए इनको एक मंत्र देकर गया है कि इस देश में अगर राज करना है तो एक बात मत भूलना जो 1857 से हम लोग चला रहे हैं, वो है फूट डालो राज करो। बांटो देश को दलितों नॉन दलितों में, महिलाओं को पुरुषों में, पुरुषों को ऊंची जाति नीची जाति में, और किसानों को मजदूरों से, और कुछ ना बचे तो विद्यार्थियों को सेना के सामने ला करके खड़ा कर दो। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जब हम लड़ते हैं लोकतंत्र के लिए, जब हम लड़ते हैं न्याय के लिए, जब हम लड़ते हैं संविधान के लिए, तो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारा अपनापन सिर्फ खुद से शुरू नहीं होता, क्योंकि हमारा खुद इतना विराट है जिसके अंदर पूरा देश शामिल है, पूरा समाज शामिल है। सबके हक की लड़ाई है, सबके पक्ष की लड़ाई है। साथियों, अंतिम में बस एक बात कहूंगा कि एक न्यूज चैनल है, हमने कहा भाई साहब एक एक सेकेंड का ऐड दिखाने में, एक एक सेकेंड का ऐड दिखाने में ये करोड़ों रुपया लेते हैं, तो पूरा का पूरा प्राइम टाइम के लिए कितना पैसा मिला है? और बोले हम देश के पक्ष में बोल रहे हैं। हमने कहा देश की राजधानी नागपुर है कि दिल्ली है? और देश क्या है ये कौन तय करेगा? भाजपा ऑफिस में तय होगा।
तय होगा। अगर यह देश संविधान से तय होगा तो तुम जिम्मेदार हो इस देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए, तुम जिम्मेदार हो इस देश के अंदर विभाजन पैदा करने के लिए। और एक बात मैंने कही थी 11 तारीख को मुझे गिरफ्तार किया गया। 11 तारीख को जब मैं अपने साथियों से बातचीत कर रहा था तो मैंने कहा था कि यह देश बहुत मुश्किल परिस्थिति में है, फांसी बाज कोई ढोल ड्रम बजा के नहीं आएगा, अंग्रेजी बाजा बजा के नहीं आएगा, धीरे धीरे आपके घर में घुस जाएगा। और जब घर में घुस जाएगा तो सिर्फ जेएनयू के लिए परेशानी नहीं होगी, नोएडा के फिल्म सिटी में भी लोग आएंगे और आपका स्क्रिप्ट लिख करके जाएंगे। अगर स्क्रिप्ट से अलग दिखाएंगे तो आपको प्रेस्टिट्यूट कहा जाएगा, जो कहा जा रहा है साइबर सेल के द्वारा। आपको देश का दलाल कहा जाएगा, जो कहा जा रहा है कुछ पत्रकारों को। और सिर्फ कहने से ये नहीं मानते, क्योंकि इनके लिए डराना जरूरी है, और जो डरता नहीं उस पर ये गांधी की तरह गोली चलवाते हैं। तो आप पर हमला होगा, यह बात 11 तारीख को कही गई और 15 तारीख को पटियाला हाउस कोर्ट में मीडिया के ऊपर हमला किया गया, उनके कैमरे तोड़े गए और उनको मारा गया। ये सच है इस समय का। यह कौन सी भक्ति है? देशभक्ति तो कतई नहीं। अगर ये मोदी भक्ति है तो एक बात जान लीजिएगा, आज भी हमारे लोकतंत्र में बहुत ताकत है, हमारे संविधान में बहुत ताकत है, क्योंकि हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को लेकर चलने वाला था। जब हम हजारों साल के शोषण की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं तो आपको आए हुए महज 2 साल हुए। चिंता मत कीजिए, हम लड़ेंगे और आपके एक एक सच को उजागर करेंगे। क्या कहते हैं कि हम विवेकानंद को मानते हैं, मानेंगे विवेकानंद की उस बात को, जहाँ विवेकानंद कहते हैं कि किसी गरीब के सामने अध्यात्म की बात करना सबसे बड़ा अधर्म है, मानेंगे इस बात को, नहीं मानेंगे। इसीलिए जब ये चुनकर आए हैं तो विवेकानंद के नाम पर कोई योजना नहीं बनी है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे योजना बनी है। और क्या कहते हैं, भगत सिंह का देश है, सच में है, हम भी मानते हैं। अगर तुम भी मानते हो तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल करके मंगल सेन के नाम पे क्यों कर दिए भाई साहब? क्योंकि तुम नहीं मानते हो, तुमसे भगत सिंह नहीं बर्दाश्त होंगे, क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि इस देश से घोड़े चले जाएंगे, काले राज करेंगे, इसलिए तुम भगत सिंह को नहीं मान सकते। और ये क्या कहते हैं कि सरकार के खिलाफ बहुत बोला जा रहा है, सरकार के खिलाफ ना बोले तो विपक्ष के खिलाफ बोले। सरकार में आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, नीतियां आप बनाते हैं, शिक्षा मंत्री आप हैं, संसद में झूठ आप बोलते हैं, और हम बोले विपक्ष के खिलाफ। आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमने कहा हमको अलग से कोई अल्टरनेटिव देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अल्टरनेटिव ऑलरेडी प्रीएम्बल में डिसाइड हो चुका है, उसी अल्टरनेटिव को लेकर के हमको आगे चलना है। जिस पर आप हमला कर रहे हैं, इनको लोकतंत्र बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए केंद्र सरकार का नाम बदल करके मोदी सरकार हो गया है। पहले सब लोग केंद्र सरकार बोलते थे, आजकल मोदी सरकार बोलते हैं, सुनकर के लगता है जैसे एक आदमी देश चला रहा है। इनका ये विजन है कि देश से लोकतंत्र को खत्म कर, इसीलिए ये तमाम साजिशें करते हैं। कहा गया लोकतंत्र पे पहला हमला कि जो 10वां पास नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कल को कह देना कि जिसके पास 5 लाख का सूट नहीं है वो वोट नहीं। भाई साहब, लोकतंत्र लोक का राज है, लोक अगर मूर्ख है तो मूर्ख का ही राज होगा, लोक अगर गरीब है तो गरीब का ही राज होगा, लोक अगर दलित है तो दलित का ही राज होगा। लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही और कहा जा रहा है कि कोई पीआर एजेंसी हायर करके चुनाव जीत लेंगे।
बहुत अच्छी बात है, काठ की हारी एक बार चढ़ा लीजिए, दूसरी बार नहीं चढ़ने वाला है, क्योंकि जब आप जाएंगे उत्तर प्रदेश तो लोग आपसे आपका देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चेक करेंगे, लोग आपसे आपका रिपोर्ट कार्ड पूछेंगे कि महंगाई घटी, तो जनता कहेगी नहीं, पैसा आया, जनता कहेगी नहीं। तब आप क्या जवाब देंगे कि हम जेएनयू में देशद्रोहियों से लड़ रहे थे, तो हम भी पहुंचेंगे और कहेंगे कि हमको ये देशद्रोही क्यों बनाए हैं, क्योंकि इनसे हम 15 लाख रुपया मांगते हैं, इनसे हम फेलोशिप मांगते हैं, और इनसे हम कहते हैं जो अच्छे दिन का आपने सपना दिखाया है उसमें एक काम कर दीजिए, जो मजदूर काम करता है उसको उसका मिनिमम वेज दे दीजिए, जो किसान किसानी करता है उसको इतनी स्थिति उसके परिवार में पैदा कर दीजिए कि किसान का बेटा भी गर्व से कहे कि मैं किसान बनना चाहता हूँ। जिस तरीके से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, जिस तरीके से जज का बेटा जज बनना चाहता है, किसान का बेटा भी किसान बनना चाहता हो, ये स्थिति पैदा कर दीजिए, ये स्थिति पैदा कर दीजिए। अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता तय करे कि वो किसके साथ शादी करेगी, भारत माता तय करे क्या पहनेगी क्या खाएगी, ये भारत माता तय करे, भारत माता तय करे, भारत माता तय करे कि वो पितृ 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 सत्ता के खिलाफ, भारत माता तय करे जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ, वो अपने विकल्प को चुन सके, ये भारत की माता तय करेगी, और भारत का छात्र तय करे कि उसको क्या पढ़ना है। आपका जो सिलेबस आ रहा है जिसमें आप रॉ से, पहले लोग रॉ से क्या पढ़ते थे, ट्रस्ट, आजकल रॉ से कुछ और पढ़ाया जा रहा है, और मो से कुछ और पढ़ाया जा रहा है, और ओ से कुछ और पढ़ाया जा रहा है गुजरात की सिलेबस में, तो विद्यार्थी तय करे कि उसका सिलेबस क्या होगा, टीचर तय करे कि स्टूडेंट और टीचर का संबंध क्या होगा, और पूरा विश्वविद्यालय तय करे कि उसका वाइस चांसलर कौन होगा। आप विद्यार्थी हैं तो हम विद्यार्थी हैं, और आपसे खुले में पब्लिक में कहते हैं कि अगर आपने अपना वादा पूरा कर दिया मोदी जी तो आपसे कोई नफरत नहीं है, मेरा अकाउंट नंबर है, आप 15 लाख भेज दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए, महिलाओं का अत्याचार रोक दीजिए, और बुलेट ट्रेन चढ़ाइएगा तो उसका दाम इतना रखिएगा टिकट का कि फुटपाथ पर काम करने वाला आदमी भी उसमें जाकर गंदेले कपड़े से बैठ सके। आप ये तय कर दीजिए, आपके खिलाफ बोलने का हमको ठेका नहीं मिला, क्योंकि हमको इतनी फुर्सत नहीं है कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप में अपना दिमाग लगाते हैं। मसला ये आ गया है, आपने हमारी पूरी बुनियाद ही हिला दी है, आपने हमारे पूरे संविधान को ही पलट दिया है। देखते देखते जो आपने चुनाव लड़ने पे पाबंदी लगाई है, कल को वोट देने पे पाबंदी लगा दे। इसलिए हम आपको आज यहाँ से कह देना चाहते हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हम आपको कहना चाहते हैं कि वोट के वक्त जैसे हाथ जोड़कर हमारे पास आते हैं, तो उसी तरीके से हाथ जोड़कर आज हम आपसे कहते हैं कि जैसे हमारा वोट और धीरू भाई अंबानी जी के बेटे का वोट बराबर है, तो हमारा घर का बच्चा और उनके घर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ ले, बराबर शिक्षा, और उस सब में आप लेते हैं इंक्लूसिव टैक्स, वो टैक्स जाता कहाँ है, आपके कोष में दो बेल आउट पैकेज दे करके देते हैं माल्या जी को और मोदी जी को, ये प्रधानमंत्री वाले नहीं, वो सुशील जी वाले, और दोनों जो है देश छोड़ करके विदेश चले जाते हैं, वो देश भक्त हैं, और हम सब्सिडी पे अपना अधिकार मांगते हैं तो हम देशद्रोही हैं, ये पैमाना नहीं चलेगा। एक देश के अंदर दो पैमाना बनाना बंद कीजिए, भारत का एक छात्र बराबर है, उनके बराबर का हक आपको देना पड़ेगा, अगर आप नहीं देंगे तो एक बात
याद रखिएगा, और वो बात यह है कि बार बार धूल आंख में झोंकना यह संभव नहीं है, और इसको हम संभव नहीं होने देंगे। इस देश के अंदर छात्र और नौजवान एकजुट होकर लोकतंत्र को बचाने के पक्ष में खड़े होंगे, और सेडिशन जैसा काला कानून जो विद्यार्थियों के खिलाफ यूज किया जा रहा है उस पे हम लड़ेंगे। और जो हमारे साथियों को एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि हमारी राजनीति और आपकी राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन देश बचाने के सवाल पे हमको आपसे अलग होने की जरूरत नहीं है। जो दो स्टूडेंट को जेल के अंदर डाला गया है वो भी विद्यार्थी है, उसका भी लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपनी पढ़ाई को कर सके, इसलिए उसको जेल से रिहा कीजिए। और इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए रोहित एक्ट को लागू कीजिए। और अमृति जी, आप बहुत संस्कार की बात करते हैं, सच में अगर आपके अंदर इतना संस्कार है तो थोड़ा सा मान लीजिए और अपनी जो गलती की है जो लगे आपसे अगर इस्तीफा दे सकते हैं तो वही दे दीजिए, नहीं तो माफी कम से कम मांग लीजिए देश से। क्योंकि लोग में हम खास करके कह रहे हैं, विद्यार्थी आज आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि देश के अंदर अगर शिक्षण संस्थानों पे हमला हुआ, इस देश के अंदर अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी स्टेटस छीना गया, इस देश के अंदर अगर एक महिला अध्यक्ष को प्रताड़ित किया गया, इस देश के अंदर अगर छात्रों शिक्षकों के ऊपर सेडिशन जैसा काला कानून लगाया गया तो इस देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस देश को बचाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए और रोहित एक्ट को लागू करवाने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया इकलाब जिंदाबाद, साथी एकता जिंदाबाद, साथी उमर करता है। और मोदी जी भी आजकल सत्यमेव जयते बोल रहे हैं,
क्योंकि ये सफेद रंग हमारे पास है और यह जो केसरिया है जिसको कर पाया है कि ब्रेक ज्यादा जरूरी है कि हॉर्न ज्यादा जरूरी है, आप तय नहीं कर सकते। ये कौन तय करते हैं? ये वही तय करते हैं जिनको हाफ पेंट से फुल पेंट होने में सालों लगे। क्योंकि जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था तो हर रोज प्रार्थना में हमको प्रस्तावना पढ़ाया जाता था जिसमें कहा जाता था हम भारत के लोग और वो सारे लोग हैं, चाहे वो किसान हो, सैनिक हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, वो सब लोग हम भारत के लोग हैं। सरकारी स्कूल को बंद कर देना चाहिए। उद्घाटन में थे माननीय मोदी जी, कहते हैं चाय वाला का बेटा हूं। मैंने देखा है चाय वाले को और उसके बेटे को भी जानता हूं। मेरे साथ ही मेरी बगल वाली दरी पे बैठकर सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मोदी जी, अगर आप चाय वाला का बेटा हैं तो सरकारी स्कूल बंद मत कीजिए, प्राइवेट स्कूल में भी हम गरीबों को पढ़ने की जगह दीजिए। ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा। कहते हैं सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनके पास ज्ञान नहीं होता। मंगलयान पे 56 इंच का छाती चौड़ा कर रहे थे जनाब, और वो जो भेजा है मंगलयान को वो सब सरकारी स्कूल में पढ़ा है। और जेएनयू सरकारी है, IIT भी सरकारी है, IIM भी सरकारी है, जो इस देश का टॉप संस्थान माना जाता है। मैं कहना चाहता हूँ और तो और छोड़ दीजिए, इस देश का संसद और राष्ट्रपति भवन भी सरकारी है। नहीं खा रहे, हमारा काम पढ़ना है और पढ़ा रहे हैं। पीड़ित
घंटा अगर इतना ही जरूरी है आपके लिए और आपके समय में लगता है कि भगत सिंह वाली पीड़िता होनी चाहिए, तो 23 बरस में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे, आप एमपी क्यों बने हुए हैं? सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। किसी साथी ने कहा कि 29 बरस उम्र हो गई है, अभी तक पढ़ रहा है। हम पढ़ रहे हैं समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज के अंदर जातिवाद को खत्म करने के लिए। लेकिन आप जो जातिवाद और मनवाद के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि पीड़िता संसद में बैठकर नहीं आती है। आप मुझे जो हनुमान थप्पा, शहीद हनुमान थप्पा के पास भेजना चाहते हैं, तो हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि कौन जिम्मेवार है सैनिकों के उन विधवाओं के लिए, कौन जिम्मेवार है उन अनाथ बच्चों के लिए जिसकी वजह से यह लड़ाई होती है। हम लड़ रहे हैं, हमारे जैसे लोग लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं खेतों में, जान दे रहे हैं कारखानों में और जान दे रहे हैं सीमाओं पर। ये हम हैं, हम तो तुम बांट नहीं सकते हो। तुम्हारी जो यह बांटने की साजिश है, दरअसल पकड़ी गई है। लोग समझ गए हैं, जिस मिडिल क्लास के बारे में ये बोलते थे, आज वो भी समझ चुके हैं। वो कह रहे हैं उन तमाम लोगों की जय भारत माता की जय है, ये बात हमको समझना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जेएनयू में लोग देशद्रोही, नहीं मोदी जी, देशद्रोही नहीं है, हम आरएसएस के खिलाफ द्रोह कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके देश को नहीं मानते। जिस देश में सर संचालक कहते हैं कि महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, हम कहते हैं कि महिलाओं को घर से निकलना चाहिए, अपने विकास पक्ष में बोलना चाहिए। ये कहते हैं कि जेएनयू में सेना के खिलाफ बोला गया, ऐसा हो नहीं सकता। सेना पर आप राजनीति कर सकते हैं, मेरे लिए वो गर्व का विषय है, हम उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते हैं। और आपने क्या किया, आपने कहा किस तरीके से इस देश के अंदर पहले छात्रों और सेना को बांटने की कोशिश की गई, फिर व्यापारी और सेना को बांटने की कोशिश की गई। माननीय मोदी जी ने कहा कि सेना से ज्यादा रिस्क व्यापारी लेते हैं। हम कहते हैं मोदी जी, इस देश को बचाने के लिए फुटपाथ पर काम करने वाला आदमी, खेतों में काम करने वाला आदमी, बाजारों में काम करने वाला आदमी या सीमा पर जान देने वाला सेना सबसे ज्यादा रिस्क ले सकता है। आप बांट नहीं सकते हमको, क्योंकि हम तय नहीं कर पाते समाज में किसका योगदान कितना है। हम जानते हैं कि शीशे वाले ऑफिस में बाबू जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी स्वीपर है, नहीं